कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एवं 14 मई को ईद के त्योहार के मद्देनजर नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों की विशेष सफाई और सैनिटाइजेशन कराया गया। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ब्रह्मापुर स्थित ईदगाह, बेनीगंज ईदगाह, मुबारक खां शहीद मजार, शमारूफ स्थित जामा मस्जिद का साफ सफाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, सफाई निरीक्षक राम विजय, सुपरवाइजर विंध्याचल सहित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। ईद के त्यौहार के मद्देनज़र नगर निगम गोरखपुर की जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी ऐसी मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, जहां की ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, वहां पर नगर निगम ने एक विशेष सफाई अभियान चलाया है, जहां की युद्ध स्तर पर सारे हमारे सफाई कर्मचारी मिलकर सफाई का काम कर रहे हैं। साथ साथ चूना और मिलथियान का जो घोल है नालियों में और आसपास सड़कों पर डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम भी कराया जा रहा है, जिससे कि कोरोना की जो चेन है उसके संक्रमण की जो चेन है उसको हम लोग ब्रेक कर सकें। और इसके साथ साथ इसमें जो हमारा बेनीगंज में हम लोग खड़े हैं, बहरामपुर है, हमारा घंटा घर है, ये जो अन्य जगह हैं वो सभी जगहों पर ये एक्सरसाइज की जा रही है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि कल का त्यौहार को देखते हुए पूरा एक ऐसा साफ सफाई को लेकर एक ऐसा मैसेज रहे जिससे कि हम कोरोना की जो संक्रमण की चेन को निश्चित रूप से तोड़ सकें। देखिए, ये तो प्रशासन के प्रशासन इस बात को देख रहा है, लेकिन मेरा एज ए नगर आयुक्त अपने जो हमारा गोरखपुर नगर निगम के समस्त निवासियों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध रहेगा कि जो भी जब भी घर से बाहर निकलें तो अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें।
और जब भी घर से बाहर अगर निकलना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें, डबल मास्क लगाएं, सर पे सिर के ऊपर कैप लगाएं और हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और अगर किसी से आपको बातचीत भी करनी है तो आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। अगर हम सभी लोग मिलकर इस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे इस गोरखपुर शहर में जो संक्रमण की जो स्पीड थी, अभी तक जो सेकंड वेव है कोरोना की जो बहुत ही फास्ट थी, अब उसमें धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है। जो अन्य जो इससे कैजुअलिटी हो रही थी उसकी भी संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो निश्चित रूप से इसका सारा जो बहुत बड़ा एक श्रेय है, हम अपने जो फ्रंट रनर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे सफाईकर्मी हैं, हमारी सफाई विभाग की जो पूरी टीम, डॉक्टर जो NSS साहब हैं उनके नेतृत्व जो टीम काम कर रही है, जिसने कि पिछले 1 महीने में दिन रात लगातार मतलब पूरे शहर को सैनिटाइज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है, पूरी सफाई में, फॉगिंग में एक विशेष अभियान चलाया है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना के स्पीड में, जो संक्रमण की स्पीड में कमी आई है, उसका बहुत बड़ा श्रेय अपने मैं इन सब स्वच्छता के सिपाहियों को देना चाहूँगा। तो हमारे सबसे जो हमारे एक प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की जो चेन की सबसे मजबूत कड़ी है, तो हम लोग उनकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखे हुए हैं। हमारे जितने पार्षद साथी हैं और उनके नेतृत्व में जो हमारी पूरी निगरानी समिति है, हम लोग पहले भी एक बार उनको जो क्या नाम है पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर ऑलरेडी उनको पहले दे चुके हैं, मास्क सबको दिया जा चुका है, और इसके साथ हम उनको ग्लव्स, PPE किट, कैप आदि भी सुविधाएं उनको लगातार दे रहे हैं। कल भी एक हम बड़े शाम को एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से अपने जितने भी हमारे 70 माननीय पार्षद जी हैं प्लस हमारे जो 10 नामित सभासद हैं उनकी पूरी टीम को हम लोग कल एक कार्यक्रम के माध्यम से एक उनको जो भी एक किट हम लोगों ने बना रखी है, जिसमें कि हमारे वो फेस शील्ड है, जिसमें कि एक थर्मल स्कैनर, एक पल्स ऑक्सीमीटर है, उसमें मास्क भी है N95 का, प्लस उसके साथ ग्लव्स भी है, कैप भी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, हम इनको दे चुके थे इसको फिर दे रहे हैं। इसके साथ साथ इनको और भी सुविधाएं लगातार देने के उद्देश्य हम लोगों ने कुछ हमारे जो बैंक के हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमने हेल्प मांगी है और वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं, कुछ NGO भी हेल्प कर रहे हैं। कहने का उद्देश्य है कि पूरे शहर के लोग मिलकर कोरोना की इस लड़ाई में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि हम धीरे धीरे कोरोना को परास्त करने में सफल हो रहे हैं।